ये कहानी टुनटुनी चिड़िया की है। वो अपना ढाबा चलाकर अपने परिवार का पेट भरती थी और ऐसे ही एक रात टुनटुनी जब अपना ढाबा बंद करके घर जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर तीन बदमाश पक्षी आते हैं। वो तीनों ही पक्षी नशे में धुत होते हैं। तभी उनमें से कौवा टुनटुनी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे ओ चिड़िया, जल्दी से इधर आ। जी कहिए साहब, क्या बात है? आप लोगों को कुछ चाहिए क्या? हाँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए तुम्हारे ढाबे में जो कुछ भी हो तुम ले आओ। टुनटुनी ने उस समय अपना चूल्हा बुझा दिया था, इसलिए जो बचे हुए पराठे थे जो वो अपने घर ले जाने वाली थी, वो उन पराठों को प्लेट में डालकर उन पक्षियों को ले जाकर दे देती है। और जब वो पक्षी पराठों को खाते हैं तो वो गुस्से में टुनटुनी से कहते हैं, अरे ओ चिड़िया, तू हमें अपने ढाबे के ठंडे पराठे खिला रही है, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें नहीं जानती, हम कौन है? अरे नहीं नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये पराठे तो मैंने अभी अभी बनाए थे अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन इतने में आप लोग आ गए, इसलिए मैंने ये पराठे आपको दे दिए। लेकिन लगता है ठंड ज्यादा है रात में, इसी वजह से थोड़ी ठंडी हो गई होंगी। मैं अपने ढाबे पर सब पक्षियों को ताज़ा खाना खिलाती हूँ। अच्छा, तूने क्या हमें बेवकूफ समझा है जो हम तेरी बातों में आ जाएंगे? अरे तूने ये पराठे सुबह ही बना लिए होंगे, बस हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर वो तीनों पक्षी मिलकर उसके ढाबे में शराब छिड़क कर आग लगा देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते टुनटुनी की आंखों के सामने उसका ढाबा जलकर राख हो जाता है और ये सब देखकर टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, ये क्या हो गया? इस ढाबे के सहारे ही तो मैं अपने परिवार को दो समय की रोटी खिला पा रही थी, अब भला मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगी? मैंने इन पक्षियों का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया? अब मैं क्या करूं? ये कहकर वो अपने घर चली जाती है, जहाँ टूटे हुए घोंसले में उसकी बेटी सुनहरी उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी घर आ गई? आज ढाबे पर ग्राहक नहीं आए थे क्या? सुनहरी बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। सुनहरी, आज के बाद हमारे ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आएगा बेटी। माँ, आप ये सब क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, आप आराम से बताइए क्या बात है। फिर टुनटुनी अपनी बेटी को सारी बात बताती है। सुनहरी, मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ढाबा खोलने के लिए जो हम लोगों ने कर्जा लिया था अभी तक तो हम वो भी नहीं चुका पाए हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या कर पाएंगे? पता नहीं भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। माँ, अब ऐसी चिंता करने से क्या होगा? आप हिम्मत रखिए, भगवान हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा और हम अपना ढाबा खोलने के लिए फिर से कोई न कोई इंतजाम तो कर ही लेंगे। लेकिन हमारे पास तो दोबारा से ढाबा खोलने के लिए पैसे भी नहीं है और न ही हम लोग दोबारा कर्ज ले सकते हैं बेटी, सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी रोते रोते सो जाती है। अगले दिन टुनटुनी को घर के बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, वो बाहर आकर देखती है। ओहो, इस हवा को भी अभी आना था, ये बांस के सारे पेड़ गिर गए, अब इन्हें समेटो। इतना कहकर टुनटुनी जैसे ही बांस को उठाकर उसे फेंकने जाती है, उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे ये बांस तो हमारे बहुत काम आ सकते हैं, जब हम इन बांसों से अपना घर बना सकते हैं तो हम इस बांस से अपना ढाबा क्यों नहीं बना सकते? इतना कहकर टुनटुनी सब बांसों को एक जगह इकट्ठा कर लेती है और अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ मिलकर बांस का ढाबा बनाने लगती है और कुछ ही दिनों में उनका बांस का ढाबा बनकर तैयार हो जाता है और टुनटुनी फिर से अपने ढाबे पर चाय नाश्ता
बनाकर बेचना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार बांस के बने ढाबे के पास से गुजरने वाले पक्षी उसके बांस से बने ढाबे की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और उसके ढाबे से चाय नाश्ता लेकर उसका आनंद लेते हैं। और साथ ही साथ वो पक्षी टुनटुनी के ढाबे की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह टुनटुनी का ढाबा उस जंगल में पूरी तरह से फेमस हो जाता है और दूर दूर से पक्षी टुनटुनी के ढाबे की खूबसूरती देखने आने लगते हैं। लेकिन इसी बीच फिर से एक दिन वो तीनों बदमाश पक्षी फिर से टुनटुनी के ढाबे पर आ जाते हैं और वो लोग उस दिन भी शराब के नशे में धुत होते हैं। अच्छा, तो तूने फिर से अपना नया बांस का ढाबा बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार तू अपनी औकात में रहना वरना तुझे बताए ना हम लोग क्या करेंगे। इस तेरे इस बांस के ढाबे को भी नहीं छोड़ेंगे। उन बदमाश पक्षियों की बात सुनकर टुनटुनी फिर से घबरा जाती है, लेकिन उस दिन टुनटुनी ढाबे पर अकेली नहीं थी। उसके आसपास खड़े ग्राहक जब उन बदमाश पक्षियों को टुनटुनी के साथ बदतमीजी करते हुए देखते हैं, तो तभी उनमें से एक पक्षी पुलिस को फोन कर देता है और थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आकर उन बदमाश पक्षियों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप लोग नहीं होते तो ना जाने वो बदतमीज पक्षी मेरे साथ क्या करते। अरे टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस बेखौफ होकर अपना बांस का ढाबा चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे इस बांस के ढाबे को कुछ नहीं होने देंगे। और इस तरह टुनटुनी को इंसाफ मिल जाता है और वो खुशी खुशी अपना बांस का ढाबा चलाती है।